हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन टिप्स। आई एम मीता बिश्नोई। ये देखिए, मोगरे के प्लांट में इतने सारे फ्लावर्स आए हैं, इतनी कलियाँ आई हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि क्या फर्टिलाइज़र डाला, कहाँ रखा इसको, कितना पानी दिया और कैसे इसको केयर की इसकी, ताकि ये समर्स में, जून के मंथ में इतनी फ्लावरिंग करे। तो चलिए देखते हैं स्पेशली क्या फर्टिलाइज़र हम लोग ने इस प्लांट में डाले हैं। अगर इसमें बहुत सारी फ्लावरिंग आपको चाहिए तो कुछ सिंपल स्टेप्स जो मैंने फॉलो किए हैं वो आप भी फॉलो कर सकते हैं। सिंपल स्टेप्स हैं और इतने सारे फ्लावर, ये मेरे को लगाए हुए करीब 6-7 महीने मुश्किल से हुए हैं ये प्लांट को, और ये प्लांट ऑलमोस्ट डेड था। हालांकि ये जड़ से निकला हुआ था, मगर ये बहुत हेल्दी प्लांट नहीं था। मगर इसकी कुछ सिंपल केयर है वो फॉलो करके इतनी अच्छे इसमें फ्लावरिंग हो रही है। और इसके फ्लावरिंग के लिए इसको कुछ फर्टिलाइज़र ज़रूर देना पड़ेगा, स्पेशली अगर आपका प्लांट पॉट में या कंटेनर में लगा है, क्योंकि जब ये गर्मियों का सीज़न आता है तो ये बहुत फ्लावरिंग करता है। तो 2-3 चीज़ें तो कुदरत ही दे देती है और कुछ चीज़ें आप कंटेनर में या पॉट में प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आगे वही डिस्कस करेंगे कि क्या क्या आप दे सकते हैं। जो कुदरत दे सकती है वो है खूब सारी सनलाइट। ये प्लांट सन लविंग प्लांट है। जो भी ज़्यादातर फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो खूब अच्छी सनलाइट में बहुत अच्छा करते हैं। तो ये जहाँ भी आपके बालकनी या गार्डन में खूब अच्छी धूप आती है 5-6 घंटे की, वहाँ पर आप रख सकते हैं। इवन मई जून की गर्मी में खूब अच्छी धूप मिले और साथ में इसको कंटिन्यूस इवन मॉइस्चर है इसकी मिट्टी में, तो ये दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा एक और बहुत चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो है फर्टिलाइज़र। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि कौन सा ऐसा फर्टिलाइज़र दो जो मैंने इनको दिया है, जिसकी वजह से इतनी सारी इसमें फ्लावरिंग हुई है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग ने फर्टिलाइज़ किया है। मोगरा या जैस्मिन के जो प्लांट्स होते हैं उनमें अगर बहुत अच्छी फ्लावरिंग चाहिए, साइज़ भी अच्छा और कंटिन्यूस फ्लावरिंग, तो इसमें फर्टिलाइज़र जो मैं अभी बताने जा रही हूँ वो बहुत ही अच्छा काम करता है। इसमें मैं हर 15-20 दिन में डाइल्यूट करके वो लिक्विड फर्टिलाइज़र डालती रही हूँ, जो कि बहुत चीप है और आपको ईजिली मिल जाएगा। तो ये चलिए देखते हैं क्या है। बहुत बढ़िया एक फर्टिलाइज़र जो फुल ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है और बहुत चीप इंडिया में मिल जाता है, वो है सरसों खली। सरसों खली एक बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र है आपके प्लांट्स के लिए, स्पेशली जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। मगर उसके साथ एक कॉशन है कि इस ये थोड़ी गर्म खाद होती है, इसको ज़रूर आप थोड़ा पानी में डाइल्यूट करके एकदम डालें। तो हम लोग आप बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, हम लोग लेंगे करीब 4 या 5 चम्मच, 3 हम लोग ने लिया है करीब ये 6 चम्मच। और ये लेने के बाद अब हम लोग इसको पानी में डाइल्यूट करके 2 दिन तक भिगो के रखेंगे, और उसके बाद भी हम लोग ने डाला है करीब 1.5 लीटर पानी, और इसको भीगे रहने देंगे इसमें करीब 2 दिन, और उसके बाद हम लोग इसको और डाइल्यूट करके फ्लावरिंग प्लांट्स में डालेंगे। मोगरे के लिए तो बहुत ही बढ़िया है फर्टिलाइजर ये। आप डाल के देखिए, ये डालते ही कुछ ही दिनों में, 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन में आपका प्लांट भर जाएगा फूलों से। मिलते हैं 2 दिन बाद, थोड़ा जब ये फर्मेंट हो जाएगा। अब मैंने इसको 2 दिन तक फर्मेंट किया हुआ है और ये काफ़ी फर्मेंट हो चुका है, इसमें हल्की सी स्मेल आ रही है, और इसको और डाइल्यूट करेंगे हम लोग। इसको करीब मैंने करीब लिया है 5 लीटर पानी। 5 लीटर पानी में करीब ये 500 ml ये डाल के और डाइल्यूट कर देंगे इसको। और ये डाइल्यूटेड लिक्विड को हम लोग हर 15-20 दिन में डाल सकते हैं।
और ये फुल ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। एनपीके के अलावा बहुत सारे और न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट को फ्लावरिंग में, ग्रोथ में हेल्प करते हैं, जैसे कि कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया और फॉस्फोरस है। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स आपको इस लिक्विड फर्टिलाइज़र में मिल जाएंगे। ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र होता है। ग्रोइंग प्लांट जो है, जो फ्लावरिंग प्लांट है, जो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मांगते हैं ग्रोथ की वजह से, फ्लावरिंग की वजह से, उनमें आप यूज़ कर सकते हैं। अगर सरसों खली नहीं है आपके पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसकी जगह बनाना पील फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। वो भी फ्लावरिंग के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, और उसके साथ सीवीड ग्रेन्यूल्स, इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं सीवीड एक्सट्रैक्ट या सीवीड ग्रेन्यूल्स में। एक और तरीका जिससे आप फ्लावरिंग एनहांस कर सकते हैं वो है कि आप जैसे जैसे फ्लावरिंग ख़त्म होती जाए, वैसे वैसे, जैसे अगर यहाँ पर ख़त्म हो जाती है तो इसको, जैसे ये फ्लावर स्पेंट हो जाता है, अगर सूख जाता है, तब आप इसको थोड़ी सी यहाँ से कटिंग कर सकते हैं एक लीफ के नीचे से, ताकि और ब्रांचेस आएँ और उसमें और खूब सारी फ्लावरिंग हो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इसको हटाते रहें फ्लावर्स को, और ऊपर से हल्की सी इसको प्रून करते रहें, और ये पूरी गर्मियों ऐसे ही फ्लावरिंग करता रहेगा। फर्टिलाइज़र जो देना है वो आप रेगुलरली ज़रूर दें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू।